आज के इस फैशन के दौर में जहां वेस्टर्न वॉर हॉलीवुड बॉलीवुड का जमाना है, वहीं दूसरी ओर हापुड़ के एक कॉलेज में हमें शास्त्रीय कथक नृत्य और संगीत का संगम देखने को मिल रहा है। हापुड़ के बुलंदशहर रोड स्थित माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार कथक कार्यशाला का आयोजन किया गया। छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 6 दिन सिखाया जाएगा कथक और हापुड़ के इस विद्यालय में 80% बच्चे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो कि शास्त्रीय संगीत और कथक नृत्य में काफ़ी रुचि ले रहे हैं और आने वाले समय में वह अपना नाम भी रोशन करेंगे। दैनिक भास्कर के लिए गाजियाबाद से जावेद चौधरी की रिपोर्ट। ये 6 दिन की कथक कार्यशाला है। इसमें हम पूरे वर्ल्ड फेमस जो है हमारे पंडित गुरुजी महाराज जी, उनके शिष्य हैं श्री विकास कुमार जी, उनके द्वारा हम बच्चों को कथक सिखाएंगे। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि जो हमारे छात्र, जो हमारे जो बच्चे हैं, वो हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरफ ही जा रहे हैं। जो अपना जो शास्त्रीय संगीत है, जो शास्त्रीय नृत्य है, उसकी तरफ हम भूल गए हैं। तो हम वापस लौटें, उस नृत्य की तरफ लौटें, क्योंकि यही नृत्य हैं जो जीवन में संतुलन लाते हैं, साधना लाते हैं। और हमारा छात्र या हम सब बताया जा रहा है कि आपके यहाँ 85% बच्चे मुस्लिम समुदाय से हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको? दिक्कतें वैसे कुछ नहीं आती है, बच्चों में बहुत क्षमताएँ हैं, उनमें आगे बढ़ने की ललक भी है, वो अपनी तरफ से प्रयास भी बहुत करते हैं। लेकिन थोड़ी सी जो दिक्कत हमें आती है, वो आती है उनके परिवार की तरफ से, कि जो परिवार है उनकी जो सोच है वो ये है कि बच्चे केवल कक्षा 12 तक पढ़े और उनके हम शादी ब्याह कर दें, वो केवल अक्षर ज्ञान ले। उनके परिवार को क्या जागरूक कैसे किया जाता है? उनके परिवारों को जागरूक रखने के लिए हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराते हैं, अपने हमारे जो मीटिंग्स होती हैं उसमें बुलाते हैं, और मातृशक्ति के खास तौर से हम प्रोग्राम रखते हैं कि माताएं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताती हैं और उनके साथ मित्रवत होती हैं, तो वो उनको बताएं कि अगर आप नहीं जी पाए उस समय को, या आप अपनी उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए, तो अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दें। अभी बच्चों में, छात्राओं में कैसा महसूस हो रहा है कि वो वर्कशॉप में जहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं आप लोगों को, और कैसे अवेयरनेस आप लोग ला रहे हैं? आज कार्यशाला का प्रथम दिवस है और हम लोगों ने 10 बजे प्रारंभ कर दी थी, तो मैं देख रही हूँ, जैसे हमने बीच में देखा था जाके, कि बच्चे बहुत उसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत उनको अच्छा लग रहा है। हालांकि मेरे विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे नहीं हैं। हम लोग लखनऊ में कला महोत्सव तक भी जीत के आए थे, लेकिन जब कभी राज्य स्तरीय या नेशनल लेवल पर बात होती है, तो बच्चों को माता पिता नहीं जाने देते। और ये मेरे लिए, मतलब मैं कुंठित होकर रह जाती हूँ कि मेरे बच्चे और मैं आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं क्या करूँ उनके लिए? तो आज देखेंगे, आप लोगों के माध्यम से सुनेंगे और इन बच्चों के प्रयासों को देखेंगे, तो हो सकता है उनमें ये जागरूकता आए कि हमारे बच्चों ने देखो कितना अच्छा प्रयास किया है, हम इनको और आगे भेजें। ये लोग आगे नहीं भेजते, बच्चों को जाने नहीं देते। क्या लगता है आपको कि आज के वेस्टर्न के स्टाइल में जो बच्चे जिस तरह से वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा रुझान देते हैं, क्या शास्त्रीय संस्कृति की तरफ जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य ही वो है जिसमें से बाकी जितने नृत्य हैं उन्होंने जन्म लिया है, और ये वो नृत्य है जो व्यक्ति को उसके तनाव से हटाता है, उसको एक संतुलन लाता है जीवन। क्योंकि केवल हम ही नहीं, अगर हम सोचें तो हमारा बच्चा और हमारे छात्र भी विभिन्न प्रकार के तनावों से गुजरते हैं, जो हम भूल जाते हैं। हम माता पिता होकर भूल जाते हैं, या एक शिक्षक होकर भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा कितने तनावों से गुजर रहा है। तो नृत्य के माध्यम से हम उन तनावों को भी उनके कम कर सकते हैं, उनको पॉजिटिविटी दे सकते हैं। इस अवेयरनेस के लिए अभिभावक कैसा सहयोग आप लोगों को कर रहे हैं? मुझे अभिभावकों से सिर्फ इतना सहयोग चाहिए कि वो अपनी बेटियों को थोड़ी छूट दें, कि वो विद्यालय में जो सीख रही हैं उसको पूरे मनोयोग के साथ सीखें। हमारा जो मोटो है, हमारा जो माध्यम है यहाँ पे वर्कशॉप करवाने का, वो यही था कि जो बच्चे हैं आजकल के टाइम पे सारे वेस्टर्न्स पे जा रहे हैं, जितने भी हैं बॉलीवुड वगैरह, जितने भी लोग चमक दमक देखते हैं उसमें वो आकर्षित हो जाते हैं। तो हमारा यही मोटो था कि हम अपनी संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, उस चीज़ को प्रमोट करें और एक वर्कशॉप के माध्यम के थ्रू हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं। क्योंकि कथक हमें सिर्फ डांस नहीं करना सिखाता, ये एक एजुकेशन है, इसमें हम PhD कर सकते हैं, हम मास्टर्स कर सकते हैं और अपनी करियर चूज़ कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी में हम बच्चों को और बता सकते हैं कि आप और इसको अच्छे से कर सकें। अच्छा, ज़्यादा तादाद जो है वो अल्पसंख्यक बच्चों की है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपके यहाँ? बच्चों एक्चुअली जो मानसिकता है बच्चों के पेरेंट्स की, कि आप क्लासिकल चीज़ें नहीं करनी चाहिए या इस चीज़ में करियर नहीं है, आगे चल के क्या करोगे आप, इसमें आगे आप बढ़ोगे तो फिर आगे क्या स्कोप है, बच्चों पेरेंट्स को ये नहीं पता है। तो अभी के टाइम पे ये है कि हम एजुकेशन कर रहे हैं, इसमें एक अलग आप रिस्पेक्ट बना सकते हैं, आप एक अलग
एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जो इसमें कर सकते हैं। जैसे आप पीएचडी कर सकते हैं, जो मास्टर्स हैं वो इस फील्ड में भी हम रह के इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये सिर्फ इंटरटेन का साधन नहीं है, हम इसमें करियर भी चूज कर सकते हैं, आप इसमें अर्न कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं, आप एक अच्छी जीवन जी सकते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इनके पेरेंट्स को, आम सभी लोगों को? सर, यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जितने भी माता पिता हैं, जितने भी आप पेरेंट्स हैं, आप सब लोगों को यही आदेश देना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ से जुड़े, क्लासिकल चीज़ से जुड़े और इसको सीखे अच्छे से, ताकि बच्चे आने वाले पीढ़ी में आपको एक सुंदर भविष्य, अपने आप को एक ऊँचे लेवल पर बनकर दिखाएँ, ताकि आप एक एग्ज़ाम्पल बन सकें लोगों के सामने, एक आप कुछ प्रदर्शित कर सके कि मैं यहाँ से खड़ी हूँ, मैं वहाँ से खड़ी हूँ, तो वो एक एग्जांपल सेट कर। आप देख रहे हो कि वेस्टर्न युग में आजकल के लोग डांस सीखते हैं, आप कथक सीख रहे हैं, तो कैसा लग रहा हो कथक सीख रहे हैं? कथक सीखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें सबको सीखना चाहिए, क्योंकि वो तो हम जो और ये डांस जो होते हैं उनको हम ऐसे ही सीख जाते हैं, लेकिन ये देखने में थोड़ा हार्ड है, लेकिन हम जब सीखेंगे तो हमें आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, सर भी बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है। जब कोई हम डांस करेंगे तो हमें समझ में भी आ जाएगा कि डांस कैसा है, वरना दूर से देखते ही बोल देते हैं कि डांस समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम जब करेंगे तो हमें मज़ा आएगा करने में, मतलब अच्छा लगेगा। कथक के बारे में आपसे पहले भी आपने कभी सुना था, कभी इस डांस को कभी देखा था? सुना था लेकिन देखा नहीं है, पहली बार ही कर रही हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है करने में। यहाँ आप जो वर्कशॉप है क्लासिकल सीख रहे हैं आप, ये तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, यहाँ पे मतलब नए नए स्टेप सीखने को मिल रहे हैं। तो क्या घर पे मना करते थे क्या? नहीं, मतलब मैंने घर पे अब उसे नहीं बताया था, लेकिन मम्मी से बताया था, तो मम्मी ने मना नहीं करा। अच्छा बेटा, एक बात तो कि आज का जो युग है वो वेस्टर्न तरफ भागता है, आप सांस्कृतिक रूप से आप कल्चर में जा रहे हैं, तो इस कथक को सीखने में और उस वेस्टर्न युग वाले में डांस में कितना डिफरेंट दिखाई दे रहा है आप लोग को? वो तो सब कर लेते हैं, लेकिन इसमें तो बहुत टफ है ये, और इसको मतलब ये सर जो हैं बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे हैं, मतलब नए नए स्टेप बता रहे हैं, लेकिन वो तो बस ऐसे ही कर लेते हैं सब लड़कियाँ। तो क्या अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।